नमस्कार। लोग मान रहे हैं कि किंग इन वाटर हमारे पेट के अंदर का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करता है और उससे हमारा डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है, लेकिन ये सही है या सिर्फ एक गलत है? अभी हम उसको जानने के लिए एक डेमो देखेंगे। अभी तो इस डेमो में हमने आपके सामने रखा है चार प्रकार के पदार्थ। एक है मिनरल वाटर, एक है किंग इन वाटर, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा स्टमक में रहता है, और फोर्थ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी केमिकल है। तो इन चारों का प्रॉपर्टीज़ हम पहले पीएच ड्रॉप्स डाल के देखेंगे कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा अल्कलेन है और कौन सा केमिकल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो पहले हम लेते हैं मिनरल वाटर और केंगेन वाटर को, और उसके बाद लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो सभी में हम पहले पानी डाल के पहले चेक करेंगे। ये है मिनरल वाटर, ये है केंगेन वाटर, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो अभी हम इसमें पीएच ड्रॉप्स डाल के देखेंगे। पहले चार ड्रॉप्स डालेंगे ये मिनरल वाटर में, और चार ड्रॉप्स डालते हैं केंगेन वाटर में, चार ड्रॉप्स डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, और चार ड्रॉप्स सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ का जो मिनरल वाटर है ये माइल्ड एसिडिक कलर में आ रहा है, 6.5 के कलर का आ रहा है। ये है केंगेन वाटर जो कम्प्लीटली ऑल्कलाइन नेचर का आ रहा है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम सब जानते हैं ये एसिड है, तो इसका कलर एसिडिक आ रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक ऑल्कलाइन सब केमिकल है। तो अभी इस चारों का हमने देखा, तो अभी हम टेस्ट करेंगे कि केंगेन वाटर किसको कन्वर्ट कर रहा है और किसको कन्वर्ट नहीं कर रहा है। तो पहले हम डालते हैं ये मिनरल वाटर में, तो मिनरल वाटर पूरा ऑल्कलाइन बन गया है, ऑल्कलाइन कलर में आ रहा है। और यही वाटर हम डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कन्वर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये ऑल्कनाइज्ड वाटर है, और ऑल्कनाइज्ड वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दूसरा केमिकल जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करता है। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं उसका कलर ऑल्कलाइन बन गया। माना हम ये बताना चाहते हैं कि जो ऑल्कनाइज्ड केंगेन वाटर है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं होता है, लेकिन अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के जैसा केमिकल को लेते हैं तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम ये आपको जानकारी देना चाहते हैं, जो ऑल्कनाइज्ड केंगेन वाटर है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करता है, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एसिडिक नेचर है उसको ये निकाल देता है। घर में जो हम नॉर्मली जो जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट जो इसको सोडा बोलते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट जिसको चूना बोलते हैं, और ये हमारे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ रिएक्ट करता है, लेकिन केंगेन वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से किसी भी केमिकल रिएक्शन में शामिल नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।